बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किरण की रेसिपीज। आज मैं आपके लिए गुड़ वाली कड़क चाय की रेसिपी लाई हूँ, आपको बहुत मजे की लगेगी और बहुत ही यूनिक तरीके से आज मैं बनाऊंगी। और जो चाय के शौकीन है वो तो इस चाय को पीने के बाद शायद इसको बार बार बनवाए, तो आप लोग आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और उसके साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करें ताकि मैं आपके लिए डिफरेंट से डिफरेंट रेसिपीज लाऊं। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले ले लो एक कप पानी और कोई सी टी ले लो। मैं यहाँ पे हाफ टेबल स्पून जो है टी ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालनी है, जितने मैंने बोली उतनी डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आप डालोगे सौंफ 1 टीस्पून, और इलायची जो थी वो मैंने 2 से 3 ऐड कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड कर दोगे अदरक का 2 इंच का जो पीस है वो डालना है आपने। ये डालने के बाद आप इसके अंदर डालोगे 1/2 लीटर जो है फुल क्रीम मिल्क। प्योर मिल्क होना चाहिए तो चाय काफ़ी अच्छी बनेगी, और फ्लेम मेरा ऑन है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गुड़, जो कि मैंने 1 पूरा चम्मच और 1/2 टेबलस्पून डाला था। आप मतलब कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मैंने इसलिए कम डाला क्योंकि मैं आगे मिल्क पाउडर भी ऐड करूँगी। और 1 पिंच जो है सॉल्ट ऐड कर देना, फिर इसके बाद इसको मिक्स करना अच्छी तरह से। जब तक बॉयल नहीं आ जाता तब तक आपने इसको छोड़ देना। बॉयल आ चुका तो फिर मैंने इसको मिक्स किया। ये देखें कितनी मज़े की लग रही है। और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फिर पकाना है। तो 2 मिनट के बाद मेरी चाय कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। 2 टेबल स्पून जो मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया, इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसके अंदर जितने भी लम्स हों वो ख़त्म हो जाए। अगर लम्स होंगे तो आपकी चाय जो है वो मज़ा नहीं करेगी। तो देखिए कलर कितना मज़े का आ चुका है। एक और जो बॉयल है वो मैंने आने दिया था कि और अच्छी बन जाएगी चाय। तो ये देखिए फिर आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है। तो टी टाइम में चाय के साथ बिस्किट्स इंजॉय कर सकते हैं या कुछ भी आप रखना चाहें आप कर सकते हैं। तो चाय रेडी हो गया, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है इस मटके के अंदर। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी गुड़ वाली कड़क चाय की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसको गेस्ट के सामने सर्व करें, आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो वीडियो को एंड करने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। उसके साथ ही मुझे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो रेसिपी को एंड करने से पहले वीडियो आपको लाइक और शेयर तो करते जाएं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक और बहुत स्पेशल रेसिपी लाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।